द्रव अमोनिया में सोडियम कार्बेमेट का अवक्षेपण निम्न प्रकार से संपन्न कराया जा सकता है एन एच फोर और ये एन एच टू सी डबल ओ ये आपका क्या होता है ये आपका सोडियम कार्बामेट और एन एच एन थ्री इसकी इससे जब रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के अंदर प्रजेंस में कराते हैं तो क्या होता है ये अवक्षेपण करता है अवक्षेपण कराने के बाद में और आपको सोलूशन से ये अलग कर लिया जाता है इस प्रकार से बहुत सारे जो गुण होते हैं वो क्या द्रव अमोनिया के बहुत अच्छे डिफाइंड गुण होते हैं आपने जल से इसकी तुलना की जल से तुलना करने पर आपको काफ़ी चीज़ों का पता लगा कि क्यों आखिर जल की तुलना में इसे कम अच्छा विलायक माना जाता है जबकि लिक्विड अमोनिया अपने आप में बहुत अच्छा विलायक भी है तो कई बातों को ध्यान रखते हुए आप इसमें द्रव अमोनिया के बारे में हम जो पढ़ेंगे अगली बार पर पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू